जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त सर्वेश। आज बहुत इम्पोर्टेंट कुछ बातें थी, इसलिए मैं आप लोग के पास आया हूँ दोस्त। मैं सर्वेश, NIS कोच, फिजिकल कोच, BPH कोच। दोस्त आज जो बात मैं लेके आया हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे दोस्त भी मेरे क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट जो बातें सब कुछ मैं एक साथ रखूँ। दोस्त यदि जिसको आर्मी का शौक है, आर्मी में जाने का, और उसकी एज 21 वर्ष से ऊपर हो गई है, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। जिसकी हाइट कम है उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है। आर्मी दो प्रकार की होती है, एक आर्मी इंडियन आर्मी होती है, एक TA होती है, यानी टेरिटोरियल आर्मी। तो यानी आपको टेरिटोरियल आर्मी में जाने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। आपको इसमें जो एज होगी 18 वर्ष से लेके 42 वर्ष एज होती है, 10वीं क्लास पास होता है। इसमें फिजिकल जो होता है 1600 मीटर की फिजिकल होती है, लेकिन 5-10 के नीचे आपको अपना फिजिकल रखना होगा। रिटेन इसमें ज्यादा हार्ड नहीं होता है। तो 18 से लेके इसमें 42 वर्ष एज मांगा जाता है। तो दोस्त ये तो बहुत सुनहरा अवसर है, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो कि नहीं आपकी एज नहीं है? एज है, 42 वर्ष तक का मांगा जाता है दोस्त, बहुत लंबा एज है। आप लोग टेरिटोरियल आर्मी में कोशिश करिए, स्पोर्ट्स कोटे वाले, NCC वाले, सभी के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है दोस्त। आप लोग परेशान मत होइए, मैं जब तक हूँ आप लोग को हर एक रास्ता बताऊंगा कि नहीं कैसे आप लोग सफल होंगे। बस आपको मेहनत करना है, रास्ता मैं बताऊंगा, मेहनत आपको करना है और ऊंचाई आपको जरूर मिलेगी। दूसरी चीज कि अभी जोन 4 टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती दिखाई जा रही है दोस्त, उस पर विश्वास मत करिए। किसी भी प्रकार की अभी टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती नहीं हो सकती, दिसंबर के बाद ही कोई भर्तियां होंगी, क्योंकि दोस्त कोरोना के चलते टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती नहीं कराई जाती है, क्योंकि बहुत अधिक इसमें लड़के पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोस्त आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक साथ 50 से अधिक लड़कों को भगाया जाता है, दौड़ाया जाता है, तो उसमें आपकी 5-10 के अंदर की रनिंग रहेगी तो आप टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। मेहनत करिए, आपकी वर्दी कहीं नहीं गई है, आपके पास है, आपके दिमाग में है, आपके पैरों में है, उसको पाके रहिए। मैं जो भी सुविधाएं होंगी सारी सुविधाएं देने को तैयार हूँ। जो भी आप क्वेश्चन करेंगे, मैं फिजिकल कोच हूँ और मैथ भी बहुत अच्छा है, आपके मैथ के क्लासेज भी, रीजनिंग के क्लासेज भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं आपको सफलता दिलाने का वादा करता हूँ, बस मेहनत आप करेंगे और सपोर्ट मैं करूंगा। तो दोस्त इसी के साथ मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को सफलता जब तक मैं नहीं दिला लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, और ये वादा है मेरा। बस आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, जो फर्जीफिकेशन नोटिस आती है उस पर ध्यान मत दीजिए, और इसके अलावा किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है, समस्या है, आप हमसे कहिए, हम उस समस्या को दूर करेंगे। लेकिन सफलता आप पाके हमें मैसेज करेंगे तो बहुत अधिक खुशी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।